नमस्कार। श्री बजरंग बाण। दोहा। जो भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम विश्वास के साथ विनय पूर्वक राम भक्त हनुमान में अपनी निष्ठा व आशा रखता है, भक्त शिरोमणि हनुमान जी की कृपा से उसके सभी कार्य शुभ फल देने वाले और सफल होते हैं। हे भक्त वत्सल हनुमान जी, आप संतों के हितकारी हैं, कृपा पूर्वक मेरी विनती भी सुन लीजिए। हे पवन पुत्र, अब विलंब मत कीजिए एवं द्रुत गति से आकर भक्तों के कार्य पूर्ण कर उन्हें सुखी कीजिए। जिस प्रकार से आपने समुद्र को खेल ही खेल में पार कर लिया था और सुरसा नामक राक्षसी के मुंह में प्रवेश कर निकल भी आए थे, आगे लंका पहुंचने पर द्वार पर आपको लंकनी ने रोका था और आपके एक ही प्रहार से वह देवलोक पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर भक्त विभीषण को सुख प्रदान किया और माता सीता के दर्शन कर अत्यंत दुर्लभ परम पद को प्राप्त किया। अशोक वाटिका को खेल खेल में उजाड़ दिया और समुद्र में डुबो दिया एवं बाघ रक्षकों को दंड भी दिया जिन्होंने आप पर प्रहार किया। जब अक्षय कुमार आपको मारने आया, आपने रावण पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया और अपनी पूंछ से ही संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। लाह की तरह पूरी लंका नगरी तुरंत ही जल गई और यह देखकर हर जगह आपकी जय जयकार हुई। हे स्वामी, तो अब विलंब किस कारण? सबके हृदय की बात जानने वाले मुझ दास पर भी कृपा करें। हे लक्ष्मण के प्राणों के रक्षक, आपकी जय हो। आप तीव्रता से इस दीन के भी दुखों का संकटों का निवारण करें। हे योद्धाओं के नायक, हे पर्वत को धारण करने वाले एवं सुखों के सागर, हे सर्वसमर्थ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे हनुमंत, हे हठीले हनुमंत, मुझ पर कृपा करें और मेरे शत्रुओं को अपने वज्र से मारकर निस्तेज और निष्प्राण कर दीजिए। हे महाराज, हे प्रभु, अपने गदा और वज्र से मेरे शत्रुओं को मार डालिए और अपने दास को संकटों से उबार लीजिए। हे महाप्रभु, हुंकार करके तुरंत आइए और अपने अस्त्र शस्त्रों से शत्रुओं का निवारण कर मेरी रक्षा कीजिए। हे ह्रिंग 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 रूपी कपीश हनुमंत, हुं हुं हुंकार रूपी प्रभु, मेरे शत्रुओं और संकटों के हृदय और मस्तक विदीर्ण कर दीजिए। भगवान श्री हरि खुद कहते हैं कि उनको उनके शत्रुओं का विनाश रामदूत बजरंग बली तुरंत आकर करते हैं। हे हनुमान, मैं आपके हृदय की अथाह गहराइयों से जय जयकार करता हूँ, लेकिन प्रभु, आपके होते हुए लोग किन अपराधों के कारण दुखी हैं? हे महावीर, आपका यह दास पूजा की विधि, जप का नियम, तपस्या नियम, आचार विचार कुछ भी नहीं जानता। जंगलों में, उपवन में, रास्ते में, पहाड़ों में या फिर घर पर कहीं भी आपकी कृपा से ही हमें डर नहीं लगता है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पढ़कर या फिर हाथ जोड़कर आपको मना रहा हूं, इस अवसर पर मैं किस तरह आपकी पुकार लगाऊं? हे अंजनी पुत्र, हे अतुलित बल के स्वामी,
हे शिव के अंश वीर हनुमान आपकी जय हो। हे वीर हनुमान, आपका शरीर काल के समान विकराल है, आप सदा भगवान श्री राम के सहायक बने और सदा उनके वचन की पालना की है। भूत प्रेत पिशाच व रात्रि में घूमने वाली दुष्ट आत्माओं को आप अपनी अग्नि से भस्म कर देते हैं। हे प्रभु, आपको भगवान राम की सौगंध है, तुरंत ही इन्हें मार दीजिए और भगवान राम व अपने नाम की मर्यादा रख लीजिए। आप जनक सुता अर्थात सीता जी के दास कहलाते हैं, अब आपको उनकी ही सौगंध है, इस दास के संकटों के निवारण में विलंब मत कीजिए। आपकी जय जयकार की ध्वनि सदा ही आकाश में होते रहती है और आपके स्मरण मात्र से ही कष्टों का भी नाश हो जाता है। आपके चरणों की शरण लेकर हाथ जोड़कर आपसे विनती है, हे प्रभु, मैं आपको किस प्रकार पुकारूं, मेरा पथ प्रदर्शन करें, इस अवसर पर आपके अतिरिक्त किसे पुकारूं? हे हनुमान, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दुहाई है, आप उठिए और चलकर मेरी विपत्ति का नाश कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर एवं आपके चरणों में गिरकर अपने संकटों को समाप्त करने की विनती कर रहा हूँ। हे चंग 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 रूपी वायु की गति से भी तेज चलने वाले हे हनु 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 श्री हनुमान, शीघ्र चले आइए। ओम हंग हंग हे वानर राज, आपकी हाँक से ही समस्त दुष्ट जन ऐसे निस्तेज हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय अंधकार सहम जाता है। ओम शम शम। हे प्रभु, आप ऐसे आनंद के सागर हैं कि आपके स्मरण करते ही दास जन आनंदित हो जाते हैं, इसलिए हे बजरंगबली श्री हनुमान, अपने भक्त जनों का तुरंत कल्याण करिए। यह बजरंग बाण यदि किसी को मार दिया जाए तो फिर भला इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उबारने वाला कौन है? जो इस बजरंग बाण का पाठ करता है, श्री हनुमान स्वयं उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति इस बजरंग बाण का जप करता है, उससे भूत प्रेत सब डर कर कांपने लगते हैं। जो महावीर हनुमान को धूप आदि देकर बजरंग बाण का जाप करता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं सताता। दोहा। जो प्रेम से महावीर श्री हनुमान का भजन करता है, अपने हृदय में सदा उनको धारण किए रहता है, उनके सारे कार्यों को स्वयं हनुमान जी सफल एवं सिद्ध करते हैं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धन्यवाद।